अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सिटी रिपोर्टर मलिक सज्जाद रनोजा, वॉइस ऑफ रोही न्यूज फाजिलपुर। कोटला अंदरूनी शहर और करीबी बस्तियों के लोग एक तो महंगाई से परेशान हैं, दूसरा बेरोजगारी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आटा भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आज कोटला अंदरून पेट्रोलिंग पोस्ट पर आटे की तकसीम की गई, जिसमें आटे के 150 थैले तकसीम किए गए हैं। यहां पर आटा सिर्फ जुमेरात के दिन दिया जाता है। पेट्रोलिंग पोस्ट कोटला अंदरून के मुकम्मल टीम इंचार्ज मोहतरम शहजाद गौरी साहब, पटवारी शाहिद और कोटला अंदरून न्यूज ऑफिस के सदर मलिक सज्जाद रनोजा ने अवाम उन्नास का कहना है कि मेहरबानी करके आटे का कोटा बढ़ाया जाए। अवाम की तादाद ज्यादा होती है, यहाँ पर कम अज कम 700 थैले आटे के दिए जाए या रोज की बुनियाद पर 250 आटे के थैले तकसीम किए जाएं। लंबी लंबी कतारों में हमारे भाई सुबह से खड़े रहते हैं, कम थैले होने की वजह से काफी लोग आटे से महरूम हो जाते हैं। मेहरबानी करके कोटला अंदरून की आवाम पर तरस करें। हमारी डीसी साहब राजनपुर और एसी साहब राजनपुर से अपील है कि हमारे लिए रहम करें और आटा रोज की बुनियाद पर तकसीम कराएं। यहाँ पर गरीब तबका बहुत परेशान है। हमारे MPA MNA साहबों से दरख्वास्त है कि अपने इलाके के लोगों के हाल पर तर्स करें और अपने सोर्स लगाकर गरीब को आटा फराहम करें और अपने गरीब बेबस लोगों का ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज।